नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर इस समय उपस्थित हूँ सिधौली नगर में। और यहाँ पर कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जिनको मैं दिखाने का प्रयास किया है। इस समय उपस्थित हूँ बाजार में और यहाँ पर श्री अंकलेश्वर महादेव मंदिर जो है बहुत ही अद्भुत छटानियारी है। आज सावन के सोमवार के दिन आज वहाँ पर जो है बर्फ का शिवलिंग जो स्थापित किया गया है लोगों के द्वारा, और यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं और अपने मनोकामनाओं की सिद्धि यहाँ से प्राप्त करते हैं। जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं बाबा जी की सेवा करने के लिए, मैं उन लोगों से भी बातचीत करूंगा और जानूंगा बाबा जी के महत्व के बारे में। और देखिए, सभी लोगों का रहता है और कहा भी गया कि मनते तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु या दोषी भावना सिद्धिर्भवत्तादशी। जैसी आप भावना करेंगे मंदिर वैद्य गुरु दोषी वैसा ही आपको फल देंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबा अंकलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में? आप महादेव जी, प्राचीन काल में ये एक छोटी सी मठिया थी, परंतु यहाँ हमारे एक साधु महात्मा जी आए थे, उन्होंने यहाँ आकर के स्थान उनको बनवाने के लिए जो है उन्होंने कहा कि भाई सब भक्त लोग मिल जाओ तो इसमें मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। दूसरे चरण में कुछ भक्त लोग आए, उन्होंने कहा इसमें मूर्तियों की स्थापना हो जाए, बाबा हनुमान जी की भी स्थापना हो जाए, तो सभी लोगों के सहयोग से उनकी भी स्थापना हुई। मिश्रा जी हमारे एक हैं, वो बेचारे बुझाए बहुत मेहनती और जिनका विशेष प्रयास रहा, केवल एक छोटे सेवादार, विशेष प्रयास रहा, बाबा की बड़ी कृपा इनके ऊपर है। और ये रोज प्रतिदिन 7 बजे से भजन और 8 बजे। देखिए, बाबा जी की तो कृपा है ही, सरस्वती जी की इनके ऊपर अपार कृपा है। आप अक्सर अगर इनका लाइव देखते होंगे, यहाँ का मंदिर के बारे में जो आरती होती है बाबा भोलेनाथ की, उसके बाद यहाँ पर जो भजन कीर्तन होता है इनकी सुमधुर आवाज में, आपको सुनने को जरूर मिलेगा। अभी मैं उस पेज के बारे में भी बताऊंगा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो मंदिर है अद्भुत छटा न्यारी है, बाबा भोलेनाथ की जो बर्फ से आज आसीन है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बाबा की एक आदेश है जी। हम लोग इस मंदिर के सेवादार हैं, हमें तो ऐसा एहसास होता है कि हम भजन नहीं करते, हमसे कोई भजन करवाता है। ऐसे मन में भाव आते हैं कि लगता है कि बस यहीं बैठे रहो और भोले के नाम में मस्त रहो। एक लाइन ऐसे ही महादेव के नारे के साथ हम और हमारे सभी साथी, हमारे ज्ञानू भैया, हमारे जागृत भैया, हमारे जो पूजन कार्य करते हैं, हमारे दादाजी सर्वप्रथम जो आते हैं मंदिर की पूरी सेवा, हमारे पप्पू दादाजी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, अमीन हैं, और उसके बाद भी वो अपने खाली समय नहीं, शेष समय में दिनचर्या में एक सरकारी एम्प्लॉय के पास कितना समय होता है, उसके बाद पूरा समय बाबा की सेवा में देते हैं। ये मेरी प्रेरणा मैं तो इनसे पाता हूँ, और मैं क्या कर पाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। एक लाइन जो भी आता है महादेव के, एक लाइन भोलेनाथ सभी लोगों का साथ चाहूंगा। भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। भारत जुड़ते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। जागृत मित्रा नाम है जी, और ये सेवा प्रभु के आशीर्वाद से हमसे भी सेवादारों करने को अवसर मिला जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रभु जी, भोले बाबा जी, इन्हीं की इच्छा से हम सभी यहाँ पे उपस्थित होते हैं और इन्हीं के आदेशानुसार सांस लेते हैं, क्योंकि कहा गया है मैं हूँ तेरा नौकर बाबा, हाजी रोल लगाता हूँ। तो इसी हम सभी जितने सेवादार हैं यहाँ पे, हम सभी सेवक हैं बाबा के, और प्रतिदिन यहाँ पे शाम 7 बजे से भजनों का गुणगान, तत्पश्चात 8 बजे दिव्य आरती, और प्रत्येक सोमवार को माताओं बहनों के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों का गुणगान मंदिर प्रांगण में शाम 4 बजे से होता है। बालाजी की कृपा से हनुमान जी के चरणों में सुंदर कांड उन्हें प्रिय है, तो नासह रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा। इस परिकल्पना के साथ श्री अंकलेश्वर महादेव मंदिर में प्रत्येक शनिवार को शाम 5:30 बजे से अपने निश्चित समय पर सभी सेवादारों के द्वारा संगीत में सुंदर कांड पाठ का भी आयोजन
बाबा के दरबार में होता है और हम सभी यही कामना करते हैं कि सदैव आपकी सेवा में रहें, जब तक ये जीवन है तब तक आपकी सेवा में सदैव इसी तरह लगे रहें। तनख्वाह जो तुमसे उससे परिवार चलाता हूँ। जीवन का पल बेकार न जाए, हर पल भगवान भोलेनाथ की सेवा में समर्पित करते हुए सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है बाबा भोलेनाथ की। और बहुत ही सौभाग्य होता है उन लोगों का जो बाबा की सेवा करने के लिए बाबा जी उनको चुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये हमारे जो है गया प्रसाद मिश्र जी इस मंदिर को जो है बनवाए थे 1947 में, उस मठिया थी, मठिया से आज इनकी कृपा से ये इतना भव्य जो है स्वरूप जो हुआ है वो इन्हीं की कृपा है। बस देखिए सभी लोगों का सहयोग है और पिछले दशकों में लोगों ने जो किया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है कि वो अगर यहाँ पे नींव न रखे होते तो आज ये स्वरूप यहाँ पे नहीं होता। देखिए बच्चों में भी काफी उत्साह रहता है बाबा भोलेनाथ की सेवा करने में। कौन? खुशी सबरवाल। देखिए ये बहादुर बिटिया है, ये भी बाबा भोलेनाथ की सेवा में आती है। मैं चाहूंगा बाबा भोलेनाथ के बारे में आप कुछ बोले। मैं एक श्लोक गाना चाहती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। तो महादेव जगत के पालनहार और जगत को बनाने वाले भोलेनाथ, उनका आकार जो तैयार करते हैं तो ये ऊपर वाले की ही बहुत विशेष कृपा होती है। आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम है राम जी कश्यप पापा। निशुल्क सेवा चाहे जितना, और ये भी नहीं कहते कोई सहारा भी है, जो बाबा सेवा में लगा देगा ठीक है बस वही हाथ लगा दे, ये भी नहीं कहेंगे ये चीज उनको लगाना है, हम अपने हाथ से उसको सेटिंग पूरा करना है, इतनी क्षमता रखते हैं हम जी। देखिए पापा के सपनों को पूरा करने का, उनके अधूरे कामों को करने का बुलाता है, वहां भी हम तुरंत पहुंच जाएंगे। संकल्प लिया है, उनके कार्य जो होते थे वो आप कार्य स्वयं संभालते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना अय्या जी के लिए। बच्चे जिस कार्य में जुटते हैं, एक बानरी सेना, वो इतना सहयोग करते हैं कि वो काम जो है घंटों का काम पलों में हो जाता है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हर्षित कश्यप है जी। क्या सेवा करते हैं मंदिर में? मंदिर में जैसे छोटी मोटी सेवा होती है वैसे हम भी करते हैं, जैसे सब छोटे मोटे हैं वैसे हम भी एक हैं जी। देखिए सभी लोगों की भागीदारी रहती है और ऐसे ही भागीदारी निभानी भी चाहिए, क्योंकि एक ही साधे ना सदे सब साधे सदिजात। जब सभी लोगों का सहयोग होता है तो कोई भी कार्य होता है वो सुगमता से होता है और अच्छा ही होता है। बहुत बहुत मंगल कामना।